भिवंडी में लॉकडाउन के दौरान बिना कारण घूमने वाले बाइकर्स को पकड़कर पुलिस कर रही पहले पिटाई फिर करवा रही है उठक बैठक। डीसीपी के निर्देश पर बाइक भी हो रही जब्त। लॉकडाउन के कारण अब भिवंडी की सड़कों पर मौज मस्ती के लिए बिना कारण बाइक द्वारा घूमने वालों की खैर नहीं है। डीसीपी के आदेश पर ऐसे बाइकर्स को पकड़कर पुलिस न सिर्फ पिटाई कर रही है बल्कि 50 उठक बैठक भी करा रही है और बाइक भी जब्त कर ले रही है। गौरतलब है कि देश सहित राज्य में कोरोना वायरस की महामारी का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने संपूर्ण देश में 21 दिन तक लॉकडाउन लागू किया है। साथ ही इस महामारी से बचने के लिए घर में ही रहने की हिदायत जनता को दी गई है। किसी भी हालत में घर से बाहर ना निकलने की चेतावनी भी दी गई है। इसके बावजूद शाम होते ही ना सिर्फ स्लम बस्ती गुलजार हो जा रहा है बल्कि कुछ लोग बिना कारण बाइक लेकर सड़क पर घूमने निकल जाते हैं, वह भी ट्रिपल सीट, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। बावजूद लोगों में सुधार नहीं आ रहा है, जिसके कारण कोरोना के कहर से बची भिवंडी में इस कारण वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिसके मद्देनजर भिवंडी के पुलिस उपायुक्त राजकुमार सिंधे ने पुलिस को ऐसे आवारा लोगों पर कार्रवाई करने का नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत डीसीपी ने पुलिस को आदेश दिया है कि बिना कारण ट्रिपल सीट सड़क पर घूमते बाइकर्स को पकड़कर ना सिर्फ उनका डंडों से स्वागत करे बल्कि उसमें दंड स्वरूप 50 उठक बैठक कराए। इतना ही नहीं, डीसीपी का फरमान है कि पुलिस ऐसे लोगों की बाइक भी जब्त कर ले और उसे लॉकडाउन खुलने के बाद ही दिया जाए, ताकि बाइक द्वारा कोई बिना कारण सड़क पर ना घूम सके। डीसीपी के आदेश के बाद पुलिस ने सड़क पर बिना कारण घूमने वालों की धरपकड़ शुरू भी कर दी है। पुलिस ने कल्याण नाका, धामणकर नाका, रतन टॉकीज, साई बाबा, शिवाजी चौक, वंजार पट्टी आदि जगहों पर बेवजह घूम रहे बाइकर्स को पकड़कर ठोकाई करने उठक बैठक भी कराया। वही साथ ही नसीहत दिया कि दूसरी बार पकड़े जाने पर इससे भी ज्यादा कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ शाम से ही पुलिस शहर के प्रत्येक गली मोहल्ले में गश्त तेज कर दी है। पेश है यह खास रिपोर्ट। बीच में मत आओ ना। हाँ, बोलो ना।